इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मुस्लिम समुदाय के ये पक्ष बताए जा रहे हैं, लाठी डंडे चले हैं। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खूनी संघर्ष का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मुस्लिम समुदाय के ये पक्ष बताए जा रहे हैं, लाठी डंडे चले हैं। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खूनी संघर्ष का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। चुनावी रंजिश को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। छपरा थाना क्षेत्र के छपरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूपी के मुजफ्फरनगर से आ रही है। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस